है चटनी प्रीमिक्स। पहले हमने धनिया, हरी मिर्च, अदरक हर चीज़ को सुखा लिया और फिर उससे हमने प्रीमिक्स बना के रखा है, जो हम कि बाज़ार से लाते हैं अक्सर। उस प्रीमिक्स को हमने घर में ही बनाया है, इससे हम जब ज़रूरत हो चटनी बड़े आराम से तुरंत तुरंत बना सकते हैं, हमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। बाज़ार से लाने से अच्छा है हम घर में अपना प्योर बनाएं और इस्तेमाल करें। देखिए, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं चटनी प्रीमिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जो धनिया सुखाया था ये देखिए कितना अच्छे से हमारा धनिया, ये देखिए कितने अच्छे से सूख के तैयार हो गया। अब मैं इससे आपको चटनी का प्रीमिक्स जो हम बाज़ार से लेके आते हैं उसी प्रीमिक्स को आपको घर में बनाना बताऊंगी, और इसे आप बना के बड़े आराम से रख सकते हैं। और जब चटनी बनानी हो पानी में घोलें, 2 मिनट का टाइम दें उसे और चटनी तैयार है। तो चलिए प्रीमिक्स बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए चाहिए हमें धनिया। इसी तरह से मैंने ये हरी मिर्च को भी सुखा लिया है काट के। आजकल हरी मिर्च आ भी ज़्यादा रही हैं, लेकिन धूप न होने की वजह से थोड़ी ये ऐसी हो गई हैं, काफ़ी टाइम लगा इन्हें सूखने में। तेज़ धूप में सुखाते हैं तो बिल्कुल हरी, जैसे हमारा धनिया है बिल्कुल ऐसे ही हमारी चटनी, वो हरी मिर्च भी सूख के तैयार होती है। आप इस तरह से काट के हरी मिर्च भी सुखा सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी चटनी बनाने के लिए, प्रीमिक्स बनाने के लिए। और ये है मेरे पास भुने चने, ये देखिए इनका मैं छिलक उतार लूँगी। और बाई चांस आपके पास भुने चने घर पर नहीं हैं तो आप चने की दाल को रोस्ट कर लें, ड्राई रोस्ट, और ठंडा करने के बाद उसे चटनी के प्रीमिक्स में मिलाएं, इससे चटनी को गाढ़ापन मिलता है ये। और इसमें हम बाकी हम सब मसाले सूखे डालेंगे, अदरक भी हम सौंठ के रूप में डालेंगे। मैंने आपसे पहले उसका वीडियो भी शेयर किया है, सौंठ मैंने घर पे ही बनाई है। और जीरा, और खटाई के लिए हम उसमें डालेंगे टाटरी। आप चाहें टाटरी नहीं डालना चाहते तो जैसे आप चटनी तैयार करें उस समय आप उसमें नींबू निचोड़ लें। और अगर आप चटनी के प्रीमिक्स में मिला के रखना चाहते हैं तो आप उसे मिला के भी रख सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ प्रीमिक्स हम कैसे बनाएंगे। ये मैंने मिक्सी के जार में ये हरी मिर्च डाल ली। मैं थोड़ा ही बना के दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बना रखा है चटनी। ये मेरे चनों पर कोई छिलक है उसको भी निकाल दूँगी। ये चने डाले मैंने, इसमें डालेंगे हम भुना जीरा। देखिए अपनी चटनी के हिसाब से डालिए जितना आप प्रीमिक्स बना रहे हैं। मेरा तो ये एक बारी की चटनी बनाने का ही प्रीमिक्स बना रही हूँ मैं, तो मैं उसमें ये आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंठ। प्रीमिक्स है तो इसलिए हमें इसमें सूखी चीज़ें और भुनी थोड़ी उन चीज़ों को मिलाना है जिससे कि मॉइस्चर ना रहे उनमें बिल्कुल भी। इतना भून के हमें डालना है। और ये थोड़ा सा काला नमक, सेंधा नमक, तेंधा नमक नहीं तो आप कोई भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सूखा धनिया, और ये देखिए है ये है टाटरी, इसको भी डाल सकते हैं। और अगर आप इसको डाल के नहीं रखना चाहते तो आप इसमें जब आप चटनी तैयार करें उस समय आप इसको इसमें नींबू निचोड़ लें, और वरना आप प्रीमिक्स में इसे भी डाल के रख सकते हैं। बस केवल आपको पानी में डालना है, मिलाना है, और आपकी 2 मिनट का टाइम देना है जिससे कि वो सब चीज़ें पानी में अच्छे से मिक्स हो सकें, और उसके बाद आपको आप चटनी तैयार मिलेगी। तो मैं अब ये पीस लूँ। देखिए मैंने पीस तो लिया है लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा धनिया और डाल रही हूँ। धनिया मुझे कम लगा था तो मैं इसमें धनिया और डाल के पीसती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा चटनी का प्रीमिक्स तैयार है, कितना बढ़िया पिसा है ये देखिए आप, कितना ये देखिए बिल्कुल। मेरे हाथ थोड़े गीले हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि चीज़ को आप जिसको भी रखें उसमें गीले हाथ गीला चम्मच नहीं लगना चाहिए। देखिए कितना बारीक ये पिसा है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और अगर आपके पास सूखा पुदीना भी है तो आप इसमें सूखा पुदीना भी मिला के पीस सकते हैं। देखिए हमारी चटनी प्रीमिक्स बिल्कुल तैयार है। अब हम इससे अपनी चटनी तुरंत तैयार कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। कई बार होता है चटनी की ज़रूरत होती है और घर में धनिया पुदीना नहीं होता, बाज़ार में भी नहीं मिलता है, दुकानें बंद होती हैं, रात का टाइम हो जाता है, तो ऐसे में ये प्रीमिक्स बहुत काम आता है। बाई चांस गेस्ट आ जाते हैं और किसी हमें स्नैक के साथ चटनी बनानी चाहिए होती है हरी, तो हम इसको प्रीमिक्स को बना के रखें तो हमारी चटनी बिल्कुल हमें
हर समय तैयार करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अब मैं इससे आपको चटनी बना के दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि आपके साथ आपके अन्य मित्र और परिवार के सदस्य भी जुड़ सकें। इसे आप किसी भी पॉली बैग में, किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हैं। फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने इसमें सब चीज़ें सूखी और भुनी भी, मसाले भी जो हमने डाले हैं भुने हुए डाले हैं, कच्चा कोई मसाला नहीं डाला हमने इसमें, और पानी की तो एक बूंद नहीं है। ये देख, आपको दिख रहा होगा हमारा प्रीमिक्स कितना बढ़िया से तैयार हुआ। ये देखिए,